Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जितना प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसी के बेसिस पे ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो सकता है. इनफैक्ट ये एक्सरसाइज मुझे पूरा होमवर्क में दे देना चाहिए आप लोगों को, ये इतना आसान है. तो कुछ कुछ पार्ट हम लोग करेंगे और कुछ कुछ पार्ट होमवर्क में जाएगा, ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंटीग्रेट करना अपने को ये वाला इक्वेशन. बेटा देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है. इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन का हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो सबको क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं. तो अलग अलग कर दो इसको. दिस इज ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी. अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर कॉन्स्टेंट आपके वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाइड है तो कॉन्स्टेंट को कहाँ निकाला जा सकता है, बाहर निकाल सकते हैं. तो सब में से कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो. दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से बी आ गया तो यहाँ पे एक्स बचा, सी आ गया यहाँ पे अंदर में वन बचा. बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, पावर वो लगाएंगे एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कैपिटल सी. ये वाला स्टेप एंड में लगाना मत भूलना बाबू, ये कैपिटल सी में दिखा रहे. अगर ये प्लस सी तुमने ऐड नहीं किया है तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का आधा अधूरा आंसर होगा. अगर ये नहीं है तो आंसर कट भी हो सकता है, ठीक है. तो बहुत आसान सा आंसर है इसका, और इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा. एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, इसका आंसर ये बगल में बताओ तो क्या होगा. x टू द पावर 2 बाई थ्री, 2 बाई थ्री में ऐड करना है 1, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और फिर लास्ट में प्लस c. तो इसका आंसर तो ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने. ये पूरा एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ पावर रूल से खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा. तो एक्सरसाइज पूरा होमवर्क में दिया जा सकता है लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ रहे हैं. चलो क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू देखो बेटा, बोलो कौन सा सॉल्व करें, पहला वाला कि दूसरा वाला कि दोनों. अदिति बताओ दूसरा वाला, ज्यादा डरावना ये. चलो इंटीग्रेशन टू ए बाई रूट एक्स, फिर क्या है माइनस, बता तो क्या है फिर बी बाई एक्स स्क्वायर, फिर थ्री सी एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट डी एक्स. क्या अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या ये अलग अलग हो जाएगा. चलो अलग अलग करो और कॉन्स्टेंट को साथ ही साथ बाहर निकालते जाओ. तो ये बन जाएगा वन बाई रूट एक्स, और यहां पे लिख देंगे डी एक्स माइनस बी वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस. यहां पे कॉन्स्टेंट पार्ट क्या होगा इस वाले पार्ट में बताओ, इस वाले पार्ट में कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है 3c. तो 3c को बाहर निकालो, यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाई थ्री और ये आ गया डी एक्स, ठीक है. सब अलग अलग हो गया और आ जाओ इसके फॉर्मूलाज में. दिस इज 2a 1 बाई रूट एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाई टू एक्स का पावर माइनस 1 बाई टू, आगे माइनस बी इन टू इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 3c. यहां पे एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2 बाई थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स पावर्स मल्टीप्लाई. सारा का सारा पावर रूल के हिसाब से ही सॉल्व होगा होने वाला है. चलो पावर रूल लगा दो सब में. दिस इज 2a हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन क्या होगा बेटा माइनस हाफ प्लस वन क्या होगा वन बाई टू. तो यहां पे वन बाई टू तो नीचे में भी लिखेंगे वन बाई टू माइनस बी इन टू माइनस टू प्लस वन क्या रिजल्ट आएगा माइनस टू प्लस वन विल बी माइनस वन, तो नीचे में भी माइनस वन प्लस थ्री सी एक्स का पावर टू बाई थ्री, टू बाई थ्री में वन जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 बाई
थ्री, यहां भी 5/3, तो नीचे में भी 5/3 प्लस सी। चलो फाइनल आंसर यहां पे लिख दो, यहां पे 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो याद आएगा 4a इंटू एक्स का पावर 1/2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे b बाई एक्स। हाँ नहीं नहीं नहीं, जब भी हम लोग c लगाएंगे, जब कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट तभी लगेगा जब यहां पे पूरा इंटीग्रेशन हटा दोगे, ठीक है। सबके साथ सी सी नहीं लगाना है, वो चाहो तो तुम लगा सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही कांस्टेंट को, इस पूरे इक्वेशन में बेटा एक ही कांस्टेंट आएगा। मान लो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 3 + 2 जो भी उधर आ गया, तो कांस्टेंट हमेशा एक ही रिप्रेजेंट होगा। जैसे इक्वेशन से इंटीग्रेशन का साइन हटा, ये वाला पार्ट, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा उसके बाद हम लोग सिर्फ एक कांस्टेंट लगाते हैं, सी बार बार नहीं लगाना अपने को, ठीक है। माइनस माइनस प्लस इधर, फिर ये आ गया प्लस, 3 3 जा ये हो जाएगा 9 9/5 सी इंटू एक्स का पावर 5/3 प्लस सी कांस्टेंट। खत्म हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट। लास्ट क्लास अगर नहीं दिखा देती तो ये टफ लग रहा होगा। नेक्स्ट वन बताओ, दोनों में से किसको सॉल्व करें, हालांकि दोनों ही आसान है, चलो दोनों को ही करते हैं। यहां पे बताओ क्या इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो 2 को बाहर निकालोगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2 प्लस e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 2 कैंसिल, तो यहां बचा x² + ex + c, ये आंसर आ गया इसका। सेकेंड वाले में आते हैं, इसको सॉल्व करना बेटा, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, x² - x² × 1/x², तो यहां पे आया ये x², यहां पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके -1। क्या इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, माइनस का साइन लगा हुआ तो अलग अलग कर सकते हैं। बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ / 3 एक 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c, बस यही आंसर, ठीक है। नोट करो जल्दी से, बताओ कौन सा सॉल्व किया जाए, पहला वाला कि दूसरा वाला, दोनों करते हैं। बताओ x + x³ / 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2, यहां पे भी डिवाइडेड बाय 5/2, 2 को बाहर निकाल दो, e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x, यहां पे है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log modulus x, तो ये आ गया प्लस सी, ठीक है। सेकेंड वाले बात है, यहां पर इसको सॉल्व करना बेटा, ध्यान से देखकर बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। √x - अलग अलग करोगे, स्क्वायर लगा हुआ है पूरा, उसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो √x² क्या होगा, x 1/√x, तो प्लस 1/x माइनस 2 √x / 1/√x dx, यही आएगा ना फॉर्मूला ओपन करने के बाद, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, माइनस 2ab में देखो कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो ये √x गया, तो यहां बचा x, यहां पे बचा प्लस 1/x माइनस 2। चलो x का इंटीग्रेशन x² / 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है 2 है ना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर में 1 बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन 2x + c, खत्म, इजी है। 7.2 एक्चुअली में बहुत आसान है, 7.2 तक थोड़ा मजा कर लो इंटीग्रेशन में, उसके बाद फिर और मजा आएगा। पहला वाला मेरे हिसाब से दूसरा वाला जाना चाहिए था, कौन सा करना है, चलो फर्स्ट वाला इज वेरी इजी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा √x - x × √x इसका dx। तब एक बात बताओ, यहां पे √x का मतलब क्या हो गया, 1/2, यहां पर इसका पावर 1 है, इसका पावर यहां पे क्या होगा,
1/2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल पावर क्या बन जाएगा उसका, तो x का पावर यहाँ पे आ जाएगा 3/2 dx। सॉल्व करना है इसको, 1/2 + 1 तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 + 1 तो ये बन जाएगा 5/2, यहाँ पे भी 5/2 प्लस सी, एडजस्ट कर लेंगे, पहला वाला खत्म कर भी लो। चलो दिस इज 2/3 माइनस 2/5 प्लस सी, दिस वन इज फर्स्ट वन। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड वाले को करने में क्या ध्यान देना है और क्या कर सकते हो उसमें, आदित्य देखो सेकेंड वाले को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करना है, इधर बस मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहां पे x का पावर रूट x मतलब 1/2, चलो अभी एक बार अलग अलग दिखाई देते हैं, 3x² √x (2x) + 3√x यहां पे आ गया dx। चलो 3 को सबको अलग अलग कर लेते हैं, 3√x² (dx) + 2√x (x) + 3√x। अब पावर्स एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, यहां पर है 2, यहां पे पावर है 1/2, तो 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, यहां पर इसका पावर आ रहा है बेटा 1/2, यहां पे पावर है 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 5/2। तो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, इतना अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं है। चले नेक्स्ट वाले का बताओ क्या बनेगा पावर, तो यहां पे पावर क्या बनेगा, 3/2 x का पावर, दिस इज 3/2 dx प्लस, वहां तो कुछ नहीं है तो x का पावर 1/2 dx है। चलो भाई इंटीग्रेट कर दो, अब x इंटू 7/2 यहां पे आ जाएगा, दिस इज 7/2, 2 इंटू x का पावर 5/2 यहां पे आ जाएगा 5/2, 3 इंटू x का पावर 3/2 / 3/2 प्लस सी। अब आंसर एडजस्ट कर ले, 3 × 2 = 6/7, x का पावर 7/2, 2 × 2 = 4/5, 3 × 2, अच्छा 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2 × 3/2 प्लस सी। आपको कैंसिलेशन पार्ट को ध्यान से देखना है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक गलती से भी मत कर देना, ठीक है, बाकी आसान है, कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए। पार्ट वन वाले पार्ट में अगर देखोगे बेटा, यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर नीचे में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सबको डिवाइड कर दो। तो अगर इसको सबको डिवाइड कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा, x³ / x² तो क्या बचेगा, x, 5x² / x² तो क्या बचेगा, 5, 4x / x² तो क्या बचेगा, 4/x, और लास्ट में यहां पर बचेगा। अब इसको तो इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, इसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका आएगा x² / 2, इसका आएगा 5x, इसका आएगा 4 log x, और इसका आएगा x⁻ मतलब -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन आप अपने से करेंगे पावर रूल लगा के, इसमें टेंशन नहीं है। हम लोग आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट को देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर x³ / x^2 प्लस 3x² / x^1/2, तो यहां पर तीनों को अलग अलग कर दो। चलो 3 - 1/2, तो 3 - 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2, ऊपर में 3 है नीचे में हाफ है, माइनस होने वाला एक दूसरे से, तो यहां पे बचेगा 5/2। 1 - 1/2 तो यहां क्या बचेगा, हाफ, और यहां पर नीचे में है तो ऊपर में जाके ये पावर बन जाएगा -1/2। आ गया सिंपल टर्म्स में, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बताओ, तो ये हो जाएगा 7/2 / 7/2, ये हो जाएगा 3 × x 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, एंड दिस विल बी
फोर एक्स वन बाई टू, ये भी हो जाएगा वन बाई टू प्लस सी, एडजस्ट कर दो टू बाई सेवन, यहाँ पे थ्री और थ्री कैंसिल, तो ये बचेगा वन बाई टू, यहाँ पे टू है तो फोर टू जै एट हो जाना है, x का पावर वन बाई टू प्लस सी, दिस इज द आंसर सेकेंड वाले पार्ट का। नॉर्मल पावर फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं और कुछ यूज किया नहीं हमने, तो आसान एक्सरसाइज है ये 7.2, वेरी गुड। पहले वाले हम क्या करोगे, इसका जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, चलो जल्दी से करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, टू टू जो फोर, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस, ये अच्छा से करना है बस, टू इंटू टू एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, x और x यहाँ से गायब हुआ तो ये बचा माइनस फोर, दिस इज डी एक्स। अब एक दूसरे से कर दो मल्टीप्लाई, फोर एक्स का पावर फोर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होके वन, दिस इज डी एक्स। चलो डायरेक्टली आंसर निकालते हैं इसका, एक स्टेप बढ़ाने का जरूरत नहीं है, फोर इंटू एक्स का पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फोर बाई सी, आ गया इसका आंसर खत्म। सेकेंड वाला इज क्यूब है ना, सेकेंड वाले में दिस इज क्यूब, पहला वाला डन है। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का, उसको सिंपली उसी फॉर्मेट में डाल दो। सेकेंड वाला विल बी ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी, बी का क्यूब मतलब वन बाई टू का क्यूब, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू, थ्री इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस थ्री इंटू ए, ए का मतलब एक्स और बी का स्क्वायर करना है तो रूट एक्स का स्क्वायर करना बेटा, रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया डी एक्स। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, हाँ एक स्टेप चाहिए होगा, दिस इज एक्स थ्री बाई टू प्लस टू इंटू हाफ मतलब टू प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा फाइव बाई टू, ठीक है, टू इंटू टू प्लस वन बाई टू विल बी फाइव बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स का एक्स तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आ गया डी एक्स। चलो आंसर्स फाइनली निकालते हैं अब हम लोग, दिस विल बी एक्स का पावर फोर बाई फोर, एक्स थ्री प्लस टू प्लस वन तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू, ये हो जाएगा फाइव बाई टू, एक्स का पावर सेवन बाई टू डिवाइडेड बाई सेवन बाई टू, दिस इज थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, थ्री और थ्री कैंसिल, अब बाकी सजा दो, दिस इज टू बाई फाइव, सेवन और थ्री थ्री टू जो सिक्स बाई सेवन, लास्ट वाज इज दिस इज एक्स क्यूब प्लस सी। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से सजा के लास्ट में आंसर्स को लिखना। क्वेश्चन नंबर सेवन भी हमारे लिए खत्म होता है, सारा का सारा क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पावर फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व हो रहा है और कुछ नया चीज नहीं है बेटा। एट का पार्ट वन जो देखोगे बेटा, बताओ इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर उसको रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल सा स्क्वायर आपको ओपन करना है और उसको डिवाइड कर देना है, ये तो आसान पार्ट है, हम लोग कर सकते हैं इसको, तो ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर को स्क्वायर ओपन करो और फिर रूट एक्स से डिवाइड कर देना, जो आंसर मिलेगा वो हम कर लेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, इसको अपन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्यूब आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, ये आपको बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये आ गया डी एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि क्यूब है प्लस एक्स है,
क्या बोला प्लस, दिस इज प्लस एक्स माइनस वन। देखो जब भी हम लोग क्यूब का केस आएगा और नीचे में हमारे पास जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो लीनियर इक्वेशन वाले लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट क्या लेना है बेटा, सबसे पहला अटेम्प्ट लेना है कि डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो डायरेक्ट डिवाइड होना पॉसिबल दिख रहा है, कैसे? अगर यहां पर हम लोग x के जगह पर 1 रखें, ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम लोग x के जगह पे 1 रखें तो देखो क्या इसका ऊपर वाले का वैल्यू जीरो आता है। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस x का जगह पे 1 माइनस 1, इन सब का वैल्यू लोगे तो क्या होगा ये जीरो। मतलब x इक्वल्स टू 1 पे मेरा जो न्यूमरेटर है बेटा वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर। अगर x इक्वल्स टू 1 रखने पे न्यूमरेटर जीरो आ रहा है x इक्वल्स टू 1 पे, तो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। या तो ये तरीका या तो एक्चुअल डिवाइड कर देना, दोनों तरीका सही है, डायरेक्ट डिवाइड करके भी देखना, लेकिन इससे निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि जब क्यूब के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली उनका फैक्टर या तो 1 होता है, माइनस 1 होता है, 2 होता है, माइनस 2 होता है, मिल ही जाता है इतना में। ठीक, तो शॉर्टकट ही अपनाओ। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, अब इसको डिवाइड कर लो बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जीरो, यहां पे बचा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का मतलब प्लस 1, पूरा का पूरा जीरो। तो फैक्टर क्या मिल गया अपने को, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है आप यहां पे। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स दिस, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और फाइनल इसका इंटीग्रेशन सी, तो मिला जुला के आंसर आ गया। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दो अदिति, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहला एफर्ट लगाओगे कि नीचे वाले के सेम फैक्टर अपने ऊपर में मिल रहा है कि नहीं, जनरली मिल जाएगा, आसान लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, इसका कुछ अच्छा वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आएगा जहां पे ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग वहां पे कुछ और लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन पहला अटेम्प्ट है डिवाइड करना। 9th नंबर में आ जाओ जल्दी से, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, ई का पावर में लॉग है, तो ये तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो, इंटीग्रेशन ई का पावर लॉग एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, माइनस है ना फिर, माइनस, ठीक है, फिर इसको लिखोगे माइनस लॉग एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई ई का पावर लॉग एक्स टू द पावर 4 माइनस ई का पावर लॉग एक्स टू द पावर 3, और ये डीएक्स यहां नहीं है, डीएक्स ऊपर में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉग के केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कुछ बेस नहीं दिया हुआ बेटा तो क्या बेस इमेजिन करोगे, सबका बेस यहां पे क्या है, ई। अब प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, दिस इज एक्स का पावर 6, यहां पे क्या बचेगा एक्स का पावर 5, नीचे में एक्स टू द पावर 4, यहां पे एक्स टू द पावर क्यूब, ये बचा। चलो ऊपर में कॉमन लेते हैं, ऊपर में कॉमन ले लो एक्स टू द पावर 5 न्यूमरेटर में, तो यहां पे क्या बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, नीचे में कॉमन क्या लोगे, एक्स टू द पावर 3, तो नीचे में क्या कॉमन बचेगा एक्स माइनस 1। क्या ये दोनों एक दूसरे से गायब हो गया, अब एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 5 है, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहां पे एक्स का स्क्वायर, तो यहां पे देखो एक्स का स्क्वायर आ गया, और इसका आंसर क्या है, देखो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके कितना छोटा बन गया, इजी है। चलो नोट करो जल्दी से, चलो यहां पे दिया नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में एक्स का पावर 6 प्लस 1। नाउ हम लोगों को पता है एक्स का पावर 6 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर 3
प्लस वन का पावर थ्री। हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे बेटा, उल्टा क्यों नहीं लिख रहे? हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, हम लोग ये भी लिख सकते थे। यहां पर नीचे में क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर। तो अगर मेरे को यहां पे x का स्क्वायर अगर मैं बनाए तो हम फैक्टर करने में मेरे लिए आसान होगा, इसलिए ये नहीं करके ये वाला पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन सेंस की ये वाला नहीं लिखे, क्यों अपन क्यूब में बना रहे हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला चाहिए अपने को। किसका फॉर्मूला चाहिए? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या बनता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बनाओ भाई। तो इसको हम लोग बना रहे हैं x स्क्वायर इसका क्यूब x स्क्वायर प्लस वन। चलो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b मतलब x स्क्वायर प्लस b, ये आ गया a प्लस b। अब क्या लिखना है अपने को, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x टू दी पावर फोर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, मतलब आ गया वन, माइनस a इंटू b। a इंटू b मतलब x स्क्वायर, नीचे में है x स्क्वायर प्लस वन। कैंसिल आउट होगा क्या ये, और ये गायब हो गया। चलो x प्लस फोर, x प्लस फोर का इंटीग्रेशन x का पावर फाइव बाई फाइव, वन का इंटीग्रेशन x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई थ्री प्लस सी। दिस इज द आंसर। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन इज अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। पहले तो आपको इस बार डायरेक्टली वैल्यू दिया है बेटा f डैश x का। f डैश x का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड वैल्यू दिया है आपको। ये आपका डिफरेंशिएटेड वैल्यू है। फिर बोला है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स। क्या फाइंड आउट करना हम लोगों को, एफ एक्स। एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको इंटीग्रेट करके। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे, डिफरेंशिएटेड वैल्यू को इंटीग्रेट करके। जो डिफरेंशिएट किया है हमने, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो यहां पे चलो इसको पुट कर दो, एफ एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, तो इसका आंसर आएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस सिक्स एक्स प्लस सी। 4 और 4 गया तो आंसर आया हमारे पास x का पावर 4 माइनस सिक्स एक्स प्लस सी। बेटा ये अपने को मिल गया एफ एक्स, ठीक है। लेकिन अभी ये जो एफ एक्स का वैल्यू मिला ये यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट। अभी अपने को ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिला नहीं है। अब मैंने बोला था ना कि जिस दिन c का वैल्यू मिलने लग जाए वो किसका आंसर होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का। देखो यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है अपने को, क्या कंडीशन दिया हुआ है, एफ जीरो का वैल्यू क्या है, थ्री। एफ जीरो का वैल्यू मतलब व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ जीरो का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया है, थ्री। चलो भाई एफ एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो। तो जीरो का पावर फोर माइनस सिक्स इंटू जीरो प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए। तो इससे सी का वैल्यू क्या मिल गया, तो सी का वैल्यू मिल गया अपने को। चलो तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब ये रहा तुम्हारा एफ एक्स, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर। दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर। और ये जो आपने सी का वैल्यू निकाल के आंसर निकाला है, ये किसका आंसर है, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो ऐसे ही कंडीशन कुछ कुछ दिया रहेगा जहां से हम लोग सी का वैल्यू क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब सी का कांस्टेंट का वैल्यू निकलने लगे तो मतलब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में पहुंच गए। डन, बस यहां पे एक्सरसाइज खत्म। छोटा सा एक्सरसाइज था, 12 एक्सरसाइज और बचा हुआ है।